दोस्तों, आपने ये जवानी है दीवानी का ये मूवी सीन आपने ये देखा होगा। इसमें किस तरह से दीपिका पादुकोण इमोशनल हो जाती है और किस तरह से रणबीर कपूर उन्हें गले लगाते हैं, किस करते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही प्यार अधूरा था, प्यार नहीं समझ में आया था रणबीर कपूर को, वो दोनों ही दूर थे। फिर वापस आए, फिर प्यार हो एक दूसरे को था ही। तो दीपिका पादुकोण ने कहा कि मैं सारा वक्त तुम्हारे साथ नहीं बिता सकती, क्योंकि अगर बिताओगी तो प्यार हो जाएगा। तो इस तरह से इमोशंस, इस तरह से गले लगाना, किस करना, ये सब होता कैसे? यही हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन से तरीक़ों से लड़की खुद गले लगाती है, प्यार करती है। हेलो फ्रेंड्स, लव ट्यूब्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला तरीका है जो बोलना है सच बोलना है। जैसे हमने ये मूवी सीन देखा, उसमें दीपिका पादुकोण ने या रणबीर कपूर ने जो भी बोला वो सच बोल दिया कि हाँ मुझे प्यार है, या मैं आपके साथ सारा वक्त बिताऊंगी, मुझे प्यार हो जाएगा। तो ये जो प्यार का इकरार है, बार बार प्यार को एक्सप्रेस करना है, बार बार अपनी फीलिंग्स को कहना, ये सामने वाले को इमोशनल करता है, ये सामने वाले के दिल को छूता है। और फिर एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास आकर वो हम ये समझना चाहते हैं कि ऐसा क्या है कि हम हमारी ज़िंदगी उनके साथ बिताएं। फिर जब भी हम उनके पास आते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन इनके साथ मुझे रहना है। तो ये सबसे पहले ये प्यार का जताना, इमोशंस जताना सबसे पहले बहुत ही अच्छा है, लड़की खुद आपको गले लगाएगी। तो ये सबसे पहला तरीका जो आपको करना है। दूसरा तरीका है, जितना भी चाहे लेट हो गया हो, आपको लग रहा है कि अब समय निकल लिए, फिर भी आपको वापस आना है। अब इससे मेरा क्या तात्पर्य है? छोटे मोटे झगड़े होते हैं तो हम बहुत ही दूर की सोच कर रिश्ते को ख़त्म करने की सोचते हैं, या तो फिर ये सोचते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन ऐसा मत करें, ठहरे और सोचें। और अगर आपने फिर भी मूव ऑन कर लिया और फिर से वही प्यार वापस आपको आ रहा है, तो अगर सच्चा प्यार है तो उसे एक्सेप्ट करें, जैसे हमने इस मूवी सीन में देखा। तो आपको समझना है कि प्यार ऐसा नहीं होता कि एक बार हो गया फिर नफरत हो गई या दूर चले गए। सच्चा प्यार होता है एक बार, फिर वो चलता ही रहता है। तो ये दूसरी बात है कि जितना भी समय निकल लिए, लेट हो गया आपको लग रहा है, लेकिन जो सही है वो करें, प्रैक्टिकल सोचें। उससे आपके रिश्ते में एक जोश, एक एनर्जी, एक प्यार, एक फीलिंग्स, इमोशंस बने रहेंगे और लड़की खुद आपको गले लगाएगी। अब यहाँ पे मैं, हर किसी के रिश्ते में ऐसी तो कंडीशन होगी गई कि वो हर दूर चले गए, मैं छोटी छोटी बातों को लेकर कह रहा हूँ कि कोई झगड़ा हो गया, कोई भी दिक्कत आ गई, तो तुरंत आपको ये सब नहीं सोचना है कि निकल लिए, समय नहीं है अब, नहीं, आपको वापस आना है, माफ़ी मांगनी है और आगे बढ़ना है। तो ये दो तरीके हैं लड़की आपको खुद गले लगाएगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ये करते हैं या नहीं। तो मेरे प्यार पर दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे जिया बी ए फ्रेंड हमसी लैला, जो भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी सवाल है सुझाव हो कमेंट बॉक्स बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।